महिमा के बारे में बताऊंगा। हम लोग केवल धाम की महिमा के बारे में सुनेंगे, जिस जगह पे हैं इसके बारे में, और जो जगह हमने विजिट किया है उन सारी जगह के बारे में। तो ये जो जगह है इसका नाम है भरतकुंड, और दूसरा क्या नाम है? नंदीग्राम। तो यहाँ पर दो लीला हुई है, एक नंदी जी की हुई है और दूसरा जो है भरत महाराज की हुई है। तो सभी को पता है ना भरत जी कौन थे? पता है सभी को? भरत जी राम जी के छोटे भाई थे और स्वयं भगवान के ही विस्तार हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक समय में त्रेता युग में नंदीग्राम जो है अयोध्या की राजधानी हुआ करती थी। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल शॉर्ट में बताऊंगा, नहीं तो रामायण चलते चलते 9 दिन से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। तो जब श्री राम जी के राज्य तिलक की तैयारी हो रही थी अयोध्या में, संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का माहौल था, संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का माहौल था। जितने भी अयोध्यावासी थे बहुत ही खुश थे, क्योंकि श्री राम जी का राज्य अभिषेक होने जा रहा था। जैसे कल राज्य अभिषेक है और पूरे उत्सव से अयोध्या नगरी सजी हुई थी। कल राम जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, सारे ऋषिगण आ गए थे, साधु संत आ गए थे कि सुबह सुबह राजा जो है श्री राम जी को बनाया जाएगा। तो अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन वहीं पे किसी के मन में भय चल रहा था। किसके मन में भय चल रहा था? मंथरा को क्यों भय होगा? और कोई? कैकेयी क्यों? कैकेयी तो उनकी माता है, देवी गॉड्स, देवताओं के मन में अगर राम जी राजा बन गए तो वो अयोध्या में रुक जाएंगे, तो फिर रावण को मारने कौन जाएगा? तो देवताओं ने क्या सोचा कि अब किसी न किसी तरीके से ये राज्य तिलक रुकवाना पड़ेगा। तो फिर देवताओं ने मीटिंग रखा मंत्रणा करने के लिए कि अयोध्या में अब कैसे न कैसे किसी तरीके से श्री राम जी का जो राज्य तिलक है उसको रोकना पड़ेगा। तो वहाँ पे दूत को भेजा जाने लगा, देखो ऐसा। तो आज के समय में वो हम सबके अंदर है, तो हम सब मंत्रा के रूप में है। तो वहाँ पर अयोध्या में उस समय ऐसी क्वालिटी का कोई नहीं था, केवल एक थी मंत्रा जिसके अंदर लोभ था, और वो लोभ किसके लिए था? अपनी रानी के प्रति, कोई गलत लोभ नहीं था, वो अपनी रानी को। हाँ, तो जो तीन क्वालिटी, ग्रीडीनेस, लस्टीनेस और एनवीनेस, ठीक है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, ये क्वालिटी जिसके अंदर थी वो ऐसा काम कर सकता था। तो मंथरा के अंदर जो लोभ था राज्य को, जब उनकी महारानी राजरानी हो जाएंगी और उसको और भी अच्छा फ्रीडम मिल जाएगा, तो उसने जाके कैकेयी की कान भरना शुरू किया। देवताओं के मीटिंग के बाद सरस्वती जी को नियुक्त किया गया कि आप जाके इस काम में उसकी सहायता कीजिए, उसकी जमान पर विराजमान हो गया। तो मंथरा जो है कैकेयी जी के पास आती है और उनको भड़काती हैं, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो कैकेयी जी उनकी बातों को मानकर राजा दशरथ से दो वर ले लेती हैं, पहला राम जी को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। मैं थोड़ा इन शॉर्ट में चल रहा हूँ, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। तो राम जी का जो वनवास था, जैसे ही पता चलता है श्री राम जी को उनको वनवास जाना है, वो आते हैं, भगवान की, राजा दशरथ की आज्ञा लेते हैं और वन को चले जाते हैं। तो इसके बीच में जो दृश्य है ना, वो बहुत भावुक दृश्य है, वो कभी रामायण की चर्चा होगी तो किया जाएगा। तो राम जी जब वन को चले जाते हैं, और उसी समय राजा दशरथ का राम जी के विछोड़ में उनका देहांत हो जाता है, वो शरीर का त्याग कर देते हैं। उस समय भरत और शत्रुघ्न जी अयोध्या में नहीं होते हैं, वो अपने ननिहाल कैकेयी देश में होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर दूत जाके उनको बुलाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है कि भरत महाराज को पहले से ही कुछ ऐसा आदेश हो गया था, या उनको सपने आ रहे थे, बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, उनकी आँख फड़क रही थी, गाय जो है अपने बछड़ी को दूध नहीं पिला रही थी, कुत्ते रो रहे थे। तो इस तरीके से अशुभ अशुभ ध्वनि संकेत, ये सारी चीज़ें वो उनको
महसूस हो रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे ही दूत कैके देश में पहुंचता है, भरत महाराज पूछते हैं कि क्या हुआ। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला था कि आप उनको बोलना कि गुरु ने बुलाया है, बस आपको अयोध्या वापस आना है और कुछ मत बोलिएगा। तो वशिष्ठ महाराज की आज्ञा के अनुसार भरत जी तुरंत अयोध्या में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं, जो अयोध्या हमेशा सजी संवरी रहती थी, वो अयोध्या एकदम उजड़ी हो गई थी। जितनी भी औरतें थी उन्होंने कोई भी अपना श्रृंगार नहीं किया था, वो सब अपने आप को विधवाओं के तरीके से महसूस कर रही थी। गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही थी, किसी के घर के आगे झाड़ू नहीं लगी थी, मतलब पूरे एक तरीके से जैसे लग रहा था ना कि अयोध्या का सब कुछ उजड़ गया है। और भरत जी जैसे जैसे अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहे थे ना, अयोध्यावासी लोग उनको एक क्रिमिनल की तरीके से घूर रहे थे। मतलब उन लोगों ने सोचा कि सारा चीज जो हुआ है वो भरत जी की वजह से हुआ है। भरत जी को उन सभी ने गुनहगार की तरीके से देख रहे थे। भरत जी इस निगाहों को सहन भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय क्या था कि राजा दशरथ, एक टाइम पीरियड था कि वो इतने समय के लिए कौशल्या जी के महल में रहेंगे, इतने समय के लिए कैके के, इतने समय के लिए सुमित्रा के। तो उस समय जो टाइम था उसमें राजा दशरथ और राम जी दोनों कैके जी के महल में रहते थे। और अयोध्यावासी, जब भरत जी अयोध्या राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे थे ना, तो सारे नगरवासी ये देख रहे थे कि अगर ये कैकेयी भवन के अंदर प्रवेश किए तो इसका मतलब इन्हीं का हाथ है राम जी को भेजने में। और भरत जी आते हैं, उनको ये पता था कि भैया और पिताजी आज माता जी की भवन में है, कैकेयी भवन में, तो वहीं पे मिलेंगे। तो सीधा कैकेयी भवन में चले जाते हैं और अयोध्यावासी को लगता है कि इसमें भरत की ही मिली मिलाप है। तो सारे अयोध्यावासी यही समझते हैं कि भरत की वजह से राम जी वन को गए। तो जब अंदर जाते हैं और अंदर ये दृश्य उनको पता चलता है, कैकेयी जी आरती लेके खड़ी होती हैं। भरत जी पूछते हैं कि भैया कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। तो कैकेयी जी बताती हैं कि तुम्हारे पिता तो अब नहीं रहे। और जैसे ही ये बताते हैं तो भरत महाराज जो है शोकाकुल हो जाते हैं, बहुत ही विलाप करते हैं। और फिर उसके बाद बोलते हैं, उनकी माता ने बोला कि तुम विलाप मत करो, अब तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। तो भरत जी पूछते हैं, मैं क्यों करूं पिता का अंतिम संस्कार, भैया कहाँ है। तो कैकेयी ने बोला कि मैंने तुम्हारे पिताजी से केवल दो वर मांगे थे, एक तो तुम्हारा राज सिंहासन और दूसरे तुम्हारे भैया को वनवास। और ऐसा जैसे ही सुना ना भरत महाराज ने, उनके ऊपर वज्रपात टूट पड़ा, वो तुरंत ही मूर्छित हो गए। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर उनको मूर्छा नहीं आई, लेकिन जैसे ये सुना कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं, वो मूर्छित हो गए। और जब उनको होश आया ना, उन्हें कैकेयी को इतना सुनाया, आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ा वाल्मीकि रामायण पढ़ा है तो आप अयोध्या कांड में जब जाएंगे तो देखेंगे 3 पन्ने वाल्मीकि रामायण के, वो भरत जी अलग अलग प्रकार से श्राप दे रहे हैं। उनको 5,000 गाय को मारने का पाप लगे, इतनी बिल्लियों को मारने का पाप लगे, इतने साधु संतों को मारने का पाप लगे, मतलब ऐसा कोसते हैं कैकेयी जी को। और कोसते कोसते सीधा कौशल्या जी की तरफ जाते हैं। और जैसे ही कौशल्या के भवन में पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या, कौशल्या जी भी बोलती हैं भरत जी को कि तुम जो चाहते थे वो पूरा हो गया। मतलब उनके मन में भी ये संदेह आ गया। और ये चीज़ सुनकर भरत महाराज वहाँ पे भी गिर जाते हैं। और फिर कौशल्या उनको उठाती हैं। फिर भरत महाराज उनको रोते हुए बोलते हैं, मैया मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। तो फिर सारी व्यथा भरत महाराज उनको सुनाती हैं, कौशल्या जो है भरत जी को सुनाती हैं। कि कौशल्या भरत जी को बहुत ही मातृ प्रेम से एम्ब्रेस करती हैं और बोलती हैं कि अभी तो राम यहाँ पर है नहीं, लेकिन राम का जो दायित्व है वो तुमको निभाना है। तो राजा दशरथ का जो पार्थिव शरीर था उसको नाव में तेल में भर के रखा गया था। और फिर भरत जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और अंतिम संस्कार यहीं पे एक जगह है, दशरथ समाधि। हमारे पास समय बहुत कम था तो बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम जा नहीं पा रहे हैं। तो वहाँ दशरथ समाधि में राजा भरत जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर इसके दूसरे दिन वशिष्ठ महाराज एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें ये विचार विमर्श रखा गया कि आज भरत जी का राज्य अभिषेक होगा, क्योंकि अयोध्या जो था बिना राजा के नहीं चल सकती थी।
क्योंकि कोई ना कोई तो राजा चाहिए राज्य को चलाने के लिए। तो वशिष्ठ महाराज और मंत्रीगण भरत महाराज से निवेदन करते हैं कि अब आप इस सिंहासन को ग्रहण कीजिए और अयोध्या का जो राज्य है उसको देखिए। तो भरत महाराज संपूर्ण अयोध्यावासी गुरुजन मुनिजन सबको बुलाते हैं और सबके सामने अपना पक्ष रखते हैं कि राज्य में राज्याभिषेक किसका होना चाहिए एक राज्य घराने में। तो सभी ने उत्तर दिया जो राज्य घराने का ज्येष्ठ पुत्र है। उन्होंने बोला एक तरीके से आप जो राज्य धर्म है उसके अनुसार बता रहे हैं कि ज्येष्ठ पुत्र का राज्य सिंहासन या राज्य अभिषेक होना चाहिए, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं। मैं भरत अभी ये प्रण लेता हूं कि हम सभी लोग जितने लोग हैं सब चित्रकूट चलेंगे और वहां पर भगवान राजा जी का राम जी का राज्य अभिषेक करके उनको राजा बनाकर वापस लेके आएंगे। और इतना कहते ही अयोध्या के जितने भी अयोध्यावासी थे सब हर्षोल्लास से एकदम फिर से अपना बैग पैक करके तैयार हो गए चित्रकूट जाने के लिए। तो सब लोग जितने भी थे अयोध्या में जितनी माताएं थी जितने प्रभु जी थे सब तैयार हो गए कि अभी चलेंगे चित्रकूट भगवान श्री राम जी को वापस लाने के लिए। तो यहाँ से भरत महाराज जो है चित्रकूट को जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ से भरत महाराज चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में जैसे ही चित्रकूट के समक्ष पहुँचने लगते हैं तो यहाँ पे भी दो तीन कहानी आती है, उसको स्किप करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि भरत महाराज अपनी शत्रुघ्नी सेना के साथ में आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी श्री राम जी को बोलते हैं वो आ गया लड़ाई करने के लिए। अब वो यहाँ पर भी आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, एक तो घर से निकाल दिया ऊपर से वो वध करने आ रहा है। तो उनके मन में ऐसी बात चल रही थी लक्ष्मण जी के, और वो राम जी से बोलते हैं कि आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज तो या तो ये बचेगा या तो मैं बचूंगा। तो राम जी समझाते हैं कि उत्तेजना इतना अच्छा नहीं है किसी भी चीज के लिए, तो आप पहले देख तो लो कि भरत क्या है, भरत कौन है और भरत क्यों है। लक्ष्मण जी से बताते हैं। जब भरत महाराज समीप आते हैं और श्री राम जी भरत मिलाप होता है, चित्रकूट में आप जाएंगे ना उन लोग का ऐसा मिलाप हुआ है कि पत्थर भी पिघल कर रोने लग गए। चित्रकूट कितना दूर है, यहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता है, ठीक है। तो चित्रकूट जैसे भरत की तपस्थली है ये है नंदीग्राम, श्री राम जी की तपस्थली चित्रकूट है। तो वहाँ पे बहुत सी लीलाएँ हुई हैं, बहुत अद्भुत लीलाएँ हुई हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक विचार विमर्श होता है, गुरु से वार्तालाप होती है। तो उनकी जो ये वार्तालाप होती है ना भरत जी की श्री राम जी की, गुरु भी राजा जनक भी सब कन्फ्यूज हो जाते हैं और सब लोग रोने लगते हैं कि किसकी तरफ जाए। राम जी की सुने वो अपने पिता के वचन के लिए मजबूर हैं, भरत जी की सुने तो भरत जी एक राजनीति को लेकर और प्रेम को लेकर सबको मजबूर बना के रखें, तो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था। तो अंत में जनक महाराज जो है वो भरत जी को यही समझाते हैं कि आपका जो भी कहना है वो सब उचित है, लेकिन आपको राजनीति के हिसाब से नहीं अपने भाई के प्रेम के हिसाब से ही ये डिसीजन लेना चाहिए। फिर इसके बाद भरत महाराज इस शर्त को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं मैं अयोध्या का राजा बनके नहीं अयोध्या का दास बनके 14 वर्ष तक इसकी देखभाल करूंगा, और 14 वर्ष से अगर एक दिन भी विलंब हुआ ना तो ये शरीर मैं जला दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपका कोई आधार चाहिए और उसके लिए मुझे चरण पादुका चाहिए। तो भरत महाराज श्री राम जी की चरण पादुका को अपने सर पर शिरोधार करते हैं और चित्रकूट से भगवान श्री राम जी की आज्ञा को लेकर अयोध्या आ जाते हैं। और भगवान भी वचन देते हैं कि 14 वर्ष के तुरंत ही वो अयोध्या आ जाएंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जब भरत महाराज यहाँ पर आते हैं अयोध्या तो 3 दिन अयोध्या में रहते हैं और वो इसी पश्चाताप में जलते ही रहे कि मेरे वजह से ही भगवान को वन हुआ। एक्चुअली 3 दिन नहीं, वो 14 वर्ष तक इसी गिलानी में ही जीती रहे। तो 3 दिन के बाद उनको वो गुरु जी से आज्ञा लेते हैं वशिष्ठ महाराज से कि मैं इस तरीके से एक राजा के भेष में नहीं रह सकता हूँ, जिस तरीके से मेरे भाई मेरी वजह से वन में रह रहे हैं तो मैं भी मुनि वेश धारण करके वन में ही रहूँगा और वहीं से ही सारा राज्यपाट चलाऊंगा। तो भरत महाराज फिर अयोध्या छोड़कर इस जगह पर आ जाते हैं नंदीग्राम,
उस समय अयोध्या की राजधानी हुआ करती थी। तो वो जो मंदिर है, एक्चुअली असली मंदिर यही है, ठीक है, वो सब बाद में रिप्लिका बना है। तो वहां पर पादुका के लिए सिंहासन रखते हैं और वहां पर पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। देन वहीं से ही सारा राज्यपाठ करते, वहीं पे सारे मंत्रीगण आते थे, सुमंत जी आते थे और शत्रुघ्न जी आते थे। शत्रुघ्न भी यहाँ पर आके रहना चाहते थे लेकिन भरत महाराज उनको मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप अयोध्या को देखिए, और वहीं से ही अयोध्या का सारा राज्यपाठ जितना भी मैनेजमेंट है वो चलता था। भरत महाराज ने यहाँ पे जमीन के नीचे, क्योंकि श्री राम जी ना जमीन पे सोते थे, तो भरत महाराज उनकी चरण धूल बनना चाहते थे। वो जमीन से नीचे 6 फीट गड्ढा खोदकर यहाँ पर तपस्या करते थे 14 वर्ष तक। वो कहीं पर शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि वो सोए हैं। उन्होंने निरंतर श्री राम जी का नाम जप किया है। भगवान जी भोजन में कंदमूल को ग्रहण करते थे, भरत महाराज गौ को जौ को खाते थे। जौ मतलब वो भी किस तरीके से खाते थे, पहले गाय को खिलाते थे, गाय जो गोबर करती थी उस गोबर में से उसको बीनते थे और फिर इसके बाद गौमूत्र में सोख करते थे और उस जौ का ग्रहण करते थे, और उस गौमूत्र का जब प्यास लगती थी तो गौमूत्र का ग्रहण करते थे। उन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया 14 वर्ष तक और निरंतर नाम जप करते रहे। तो यहाँ पे नाम की इतनी महिमा है कि अगर आप एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा है, कार्तिक और अधिक मास से भी ज़्यादा है यहाँ पे नाम की महिमा। तो हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, भगवान के जब भी दर्शन करें तो भरत महाराज से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि किस तरीके से भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में हम लगें। और क्योंकि ये तपोभूमि है और त्याग की धरती है, जो 3 दुर्गुण बताए हैं ना, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए इसमें से हमको एक न एक हमको यहाँ पे छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है वो 3? तो काम क्रोध लोभ में से कोई एक चीज हम छोड़ पाएंगे यहाँ पर तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, एटलीस्ट छोड़ ना पाए तो वो कम हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये यहाँ का अयोध्या में आप जब भी आते हैं और जब आप भरत नंदीग्राम का दर्शन नहीं करते हैं तो वो यात्रा कंप्लीट नहीं होती विदाउट भरत जी के आशीर्वाद से, क्योंकि भरत जी श्री राम जी को बहुत प्रिय हैं। 14 वर्ष तक भरत जी श्री राम जी का नाम लेते रहे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम जी 14 वर्ष तक भरत को याद करते रहे 14 वर्ष तक, और उसकी बहुत सी लीलाएँ हैं। ठीक है, यहीं पास में ही भरत कुंड है और गया वेदी भी है। तो जब श्री राम जी वापस आते हैं, ठीक है, तो वापस आते हुए उनका विमान यहाँ से कुछ दूर उतरता है, तो हनुमान जी को भेजते हैं कि ये काम कीजिए, आप जाइए भरत जी से मिल के आइए। तो भगवान भी थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं यहाँ पे हम भरत जी की। जैसे ही 14 वर्ष बीत जाता है और उसके अगले दिन ही भरत महाराज की चिता तैयार रहती है, वो अपनी चिता को तैयार करके रखते हैं कि आज अगर भैया नहीं आए तो मैं अपने आप को जला दूंगा। तो हनुमान जी को श्री राम जी बोलते हैं कि आप जाके भरत जी को ये सूचना दीजिए कि मैं आ गया हूँ, लेकिन उनके चेहरे का भाव पढ़िएगा कि भाव क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या पे राज्य किया है तो उनके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया कि नहीं ये राज्य अब तो जाएगा मेरे हाथ से, क्योंकि देवता लोग भी ईर्ष्या करते थे अयोध्या जैसा राज्य पाने के लिए। तो जब भरत महाराज को हनुमान जी एक ब्राह्मण के रूप में सूचना देने आते हैं ना, तो भरत महाराज जी तुरंत पहचान जाते हैं और हनुमान जी को बहुत ही टाइटली एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंट, यही जो पेड़ है ना ये आपस में गले लगे हुए हैं, पीपल एंड पाकड़। सो दिस इज द वो ट्री जहाँ पर हनुमान जी भरत जी एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग करते हैं और भरत जी बोलते हैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा आपने उपहार दे दिया है। तो यहाँ से वो जाते हैं भगवान को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। फिर आगे जो कुंड है वहाँ पर जब भरत जी राम जी मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को फिर से गले लगाते हैं, फिर राम जी जो है भरत जी की जटा को काटते हैं, भरत जी राम जी की जटा को काटते हैं। तो आगे जटा कुंड भी है, भरत कुंड है जहाँ पर भरत जी नित्य प्रतिदिन स्नान करके वहाँ से फ्लावर्स, अभी आप 2 महीने के बाद आएंगे बारिश के समय में, ये पूरा कुंड जो है वो कमल से भर जाता है, तो वहाँ से हमेशा कमल लेके आते थे, भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते थे।
यहीं पे पास में एक गया वेदी है। गया के बारे में आप सभी जानते हैं ना, तो जब श्री राम जी रावण को मारकर वापस आते हैं तो भरत महाराज ये नहीं चाहते थे कि वापस से अपने पिता का पिंडदान करने के लिए गया जाएं और इधर तीर्थ यात्रा जाएं, तो वो सारा चीज एक साथ ही करा देना चाहते थे कि इसके बाद जो श्री राम जी हैं वो केवल और केवल अयोध्या में रहें और कहीं ना जाएं। तो राम जी रावण को मारने के बाद तकरीबन 11,000 वर्षों तक यहाँ पर राज्यपाट किया। तो उस वेदी का जो इम्पोर्टेंस है आप लोग देख भी सकते हैं, जब भी कुंड पे जाएंगे दर्शन करने के लिए। जो पिंडदान की जो विधि है, प्रोसेस है, सो एक्चुअली इट्स स्टार्ट फ्रॉम द अयोध्या इन पितृपक्ष मंथ, जो पितृपक्ष का महीना आता है तो यहाँ से पिंडदान प्रोसेस स्टार्ट होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहीं से राजा दशरथ का पिंडदान किया जब हनुमान जी वो सातों वेदी लेके आए थे, और जैसे ही वो सातों वेदी हनुमान जी गया से लेके आते हैं, भगवान पिंडदान कर ही रहे होते हैं, तो गया के ब्राह्मण आ जाते हैं, अपना पेट पकड़ कर रोने लगते हैं कि अरे भगवान हम कैसे जिएंगे अब यहाँ पर, वो वेदी आप लेके आ गए, पिंडदान ही सहारा था, उसी से हमको हमारा भोजन मिलता था, पैसा मिलता था। तो भगवान ने बोला परेशान मत होइए, एक बार ये प्रोसेस पूरा हो गया तो मैं वापस भेज दूंगा। तो भगवान ने 6 वेदी वापस कर दी, लेकिन एक वेदी यहाँ पे ही रख दिया, और प्लस भगवान का राइट फीट विष्णुपाद, जो विष्णुपाद का लेफ्ट फीट कहाँ है, गया में है, और राइट फीट यहाँ पे है। तो जिसने भी पिंडदान किया होगा उनको पता होगा वहाँ पे लेफ्ट फीट है जहाँ पे वो पिंड अर्पित करते हैं, और यहाँ पे राइट फीट है। तो यहाँ पे पिंडदान का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से लोग जाते हैं बनारस, बनारस से फिर गया, गया से गंगा सागर, गंगा सागर से माघ मेला प्रयागराज, एंड देन प्रयागराज से आखिरी जो होता है अयोध्या का। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर द पिंडदान प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो इम्पोर्टेंस है, तो आप सभी से प्रार्थना है, हम सभी लोग भरत महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे अंदर गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए थोड़ा सा बल दें और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ें। भरत महाराज की, रामचंद्र की, हरे कृष्णा। सो अयोध्या का बहुत सा पास्ट टाइम्स हैं, आप इतने मंदिर में विजिट किए होंगे, ठीक है, लेकिन वो मिल नहीं पाया होगा, कभी समय होगा ना तो मैं वो सारे पास्ट टाइम्स जो है एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा, कनक महल का, जानकी और हनुमानगढ़ी का, बहुत सारे पास्ट टाइम्स। इसके लिए आपको फिर से अयोध्या यात्रा करनी पड़ेगी 3 दिन की, हरे कृष्णा। तो कैसे लौकिक धर्म पालन किया, अपने पिता की आज्ञा पूरी की, बस इतना धर्म पालन किया। सीता ने क्या किया, सीता ने अपने पति के साथ रही है ना, और वो भी भगवान राम के साथ रही। उसके बाद लक्ष्मण का धर्म ऊंचा है क्योंकि अपने घर को छोड़कर भगवान राम के साथ बाहर जाना, 14 साल वनवास में इस तरह रहना, उन्होंने एक और ऊंचा धर्म पालन किया। पर फिर भी क्या था, भगवान राम हमेशा साथ में थे। तो हमारे गौड़ी आचार्य कहते हैं रामायण में अगर देखा जाए तो भरत का जो प्रेम है, ये 14 साल भगवान से दूर रहे, ये भगवान के विरह में ही रहे, और सारा जीवन उन्होंने जिस तरह गोपियों ने भगवान के विरह प्रेम में बिताया था, वैसे दशरथ महाराज का स्थान रामायण में है। हाँ, तो रामायण में भरत का स्थान जो गौड़ी आचार्य कहते हैं, आप देखेंगे एक रामनवमी का एक लेक्चर है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने दिया था, हम सब उस लेक्चर में बैठे थे, और राम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, केवल भरत महाराज के ऊपर बोला है कि भरत महाराज का जो स्थान है रामायण में, ये गोपियों के प्रेम के जैसा है, किस प्रकार विरह प्रेम में भरत महाराज ने 14 साल बिताए थे।